हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। आश्चर्य, स्त्रियों के ऐसे तेवर। हे देवियों, क्यों युद्ध में अपनी शोभा नष्ट करना चाहती हो? तुम्हारा स्थान युद्ध क्षेत्र नहीं, घर है। युद्ध करना बलवानों का कार्य है, तुम जैसी स्त्रियों का नहीं। हथियार हाथ में लेने मात्र से कोई योद्धा नहीं बन जाता। अरे मूर्ख असुर, तुम में जो शक्ति है हमारी ही है। हमसे ही शक्ति पाकर हमें ही आंखें दिखाते हो। हमारे दिए हुए खड़क से हमें ही काटना चाहते हो। असुरों से शत्रुता करने का परिणाम कितना भयंकर होता है, ये देवी उमा भी जान जाएगी। गौरहंता, आज्ञा सुरेश्वर। तुम भी अपनी सेना को चलने का आदेश दो। देवी देवताओं के मामले में मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। छल कपट से काम लेने वाले ये लोग कहीं फिर कोई चाल न चल जाए। अंधकासुर क्षमा के योग्य नहीं है दीदी। तो तुम उसे क्षमा के योग्य बना दो उमा। क्षमा के योग्य? दीदी, प्राणी का अपने किए पर पश्चाताप उसे क्षमा के योग्य बनाता है, और जिनका अहंकार ही नष्ट ना हुआ हो उसे न पश्चाताप होगा और ना ही वो क्षमा का पात्र बन सकेगा। उमा, अंधकासुर अज्ञानी है। अज्ञानी? हाँ उमा, अज्ञान के अंधेरे में अंधकासुर किसी अंधे की भांति भटक रहा है। वो नहीं जानता कि निर्माण करने में जो आनंद है वो विनाश करने में नहीं मिलता। परंतु दीदी, अंधकासुर जैसी असुरी प्रवृत्तियां निर्माण में नहीं बल्कि विनाश में ही आनंद लेती हैं। इसीलिए उन्हें पता तक नहीं चल रहा कि वो स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अंधकासुर हमारी ओर आ रहा है। हमारी ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर आ रहा है। परंतु उमा, उन्हें बदलने का एक अवसर तो दो। इसका कोई लाभ नहीं होगा दीदी। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पतंगे उस पर मंडराने लगते हैं और जल जल कर मरते रहते हैं, ये देखते हुए भी दूसरे पतंगे फिर दीपक की लौ से जूझने लगते हैं और मृत्यु को गले लगाए बिना पीछे नहीं हटते। ऐसे ही ये असुर भी हैं। देवताओं से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक व्यर्थ ही अपने प्राण गंवा नहीं देते। Thank you.
इस अंधकासुर की महत्वाकांक्षा के कारण सृष्टि का विकास ही रुक गया है। अंधकासुर ने त्रिलोक के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है, इसलिए त्रिलोक के हित में अंधकासुर को मृत्यु के घाट उतारना ही होगा। कोई और उपाय नहीं हो सकता? यदि कोई और उपाय होता तो भोलेनाथ मुझे असुरों के विरुद्ध अपनी शक्तियों के प्रयोग करने की आज्ञा क्यों देते? दीदी शिवजी की आज्ञा और आशीर्वाद से मैं अंधकासुर के इस माया जाल को अपनी शक्तियों के द्वारा नष्ट कर दूंगी और फिर अंधकासुर को शीर्षासुर और कबंध के साथ नष्ट कर दूंगी। कपालहस्ता, जाओ और अंधकासुर और उसकी विनाशकारी शक्तियों को नष्ट कर दो। जो आज्ञा। जाओ, विजयी हो। आश्चर्य, स्त्रियों के ऐसे तेवर? हे देवियों, क्यों युद्ध में अपनी शोभा नष्ट करना चाहती हो? तुम्हारा स्थान युद्ध क्षेत्र नहीं, घर है। युद्ध करना बलवानों का कार्य है, तुम जैसी स्त्रियों का नहीं। हथियार हाथ में लेने मात्र से कोई योद्धा नहीं बन जाता। अरे मूर्ख असुर, तुम में जो शक्ति है हमारी ही है, हमसे ही शक्ति पाकर हमें ही आंखें दिखाते हो? हमारे दिए हुए खड़क से हमें ही काटना चाहते हो? स्त्रियों को देखकर मुझे क्रोध नहीं आता, और जब तुम पर क्रोध नहीं आता तो मैं तुमसे युद्ध कैसे करूं? युद्ध समान स्तर के लोगों में होता है। तुमसे युद्ध करने से मैं केवल हंसी का पात्र बनकर रह जाऊंगा। जाओ देवियों, स्वयं अपने आप पर दया करो। अच्छा, तो देख हमारा युद्ध, तब तुझे पता चलेगा तू कितने पानी में है। असुरेश्वर, ये देवियां हैं, इसलिए इन्हें कम समझकर हम भयंकर भूल कर रहे हैं। इन्होंने ही तो हमारे महाशक्तिमान वृषासुर, शिरसासुर और कवन का वध किया है। आक्रमण! Ha ha ha!
को नष्ट कर दो। मैं इसे अभी नष्ट कर देता हूं। कपट की देवी, तूने मेरे सारे असुरों को मार दिया, परंतु तुझे ये विजय बहुत महंगी पड़ेगी। बहुत महंगी पड़ेगी।